वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी व राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुशीला बलूनी का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से पूरे उत्तराखंड की आंखें नम हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड के लिए उनके योगदान और संघर्ष को हमेशा याद रखा जाएगा। उत्तराखंड की वरिष्ठ समाजसेवी और आंदोलनकारी व राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुशीला बलूनी का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थी। इलाज के लिए मैक्स अस्पताल में भर्ती सुशीला बलूनी ने मंगलवार को अंतिम सांस ली। उनके निधन से पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड के निर्माण में सुशीला बलूनी के योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। ईश्वर दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करे। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, धन सिंह रावत समेत तमाम मंत्रियों, विधायकों ने और राजनीतिक दलों ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राज्य आंदोलन की पहली महिला आंदोलनकारी सुशीला बलूनी का हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर पूर्ण सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।